महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म, हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। विफाकी काबीना ने बिजली 1.68 रुपए 20 यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से आवाम के हाल पर रहम करने की अपील। शहरियों ने कहा कि आवाम बिल दे या घर का चूल्हा जला। हुकूमत से नाजे हाथ बांध रहे, यकीन करो कि इतने परेशान है ना, रोटी तो रोटी बिजली का बिल भी भरवा नहीं सकते, इसलिए इतने परेशान है। आए दिन कभी 2 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 5 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 10 रुपए बढ़ रहे हैं। आटा चीनी हर चीज महंगी हो चुकी है। मैंने 2 रुपए बढ़ा दिए है, ये हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है। अब आवाम से जो है ना रोटी छीन रही है, आवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं रखा। अब तो ये कह दिया कि 1 महीने आप नहीं भरेगे तो बिल भी बिजली भी काट दी जाएगी। यानी कि गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है, वो नहीं है, वो पहले बिल के पीछे भाग पड़ता है कि बहन तू दे दे, भाई तू दे दे, मैंने तो बिजली का बिल भरना है। महंगाई पैदल पे वार, आवाम एक बार फिर पेट्रोल पंप के लिए हो जाए तैयार। ओबरा की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज। जुम्मी पंजाब के अवाम का शदीद रद्द अमल, गरीब अवाम भूख से मर रहा है। शहरों का हुकूमत को वापस जाने का मशवरा। कितनी महंगाई इन्होंने इस टाइम कर दी है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है जी। बर्बादी और क्या कह सकते, इसी इमरान खान ने कहाँ से काम पहुँचाए, अब और मजीद आवाम बेचारे के लिए कहने की क्या रहेगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया भाई जान, तो इमरान खान ने वादा किया था कि नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा, वो नौजवानों को नौकरियाँ भी नहीं दी, बेरोजगारी बढ़ रही है। इंटरमीडिएट के तलबा पर नंबरों की बारिश हो गई, जनूबी पंजाब में तलबा की मौजें लग गई। सबकी नजरें अब मैट्रिक नताज पर। मैट्रिक के तलबा ने भी एजुकेशन बोर्ड से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कितने तलबा 100% नंबर हासिल करेंगे, फैसला कल होगा। ग्यारह सौ नंबर मुल्तान बोर्ड के 86 तलबा ने 100% नंबर हासिल कर लिए, जबकि 1000 से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 7,263 है। बहावलपुर डिवीजन भी किसी से कम न रहा, 12 तलबा ने 100% नंबरों का हदफ हासिल किया। तलबा ने कहा यह सब असातिज़ा की मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। उसके बाद मेरे वालदैन, मेरा साजा, ये निशाद इंस्टीट्यूट जहाँ से बचपन से इन्होंने हमें इस तरह पॉलिश किया, इस मकाम तक पहुँचाया। ये मेरे वालदैन, रिश्तेदार, साजा, इन सब की दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे नंबर दिए हैं। और बाकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, जब अचानक पता चला तो काफ़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला से अच्छे नंबर मांगे थे लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ही नंबर दे दिए। मुल्तान बोर्ड के इंटरमीडिएट के नतज खानवास की सदा लोग 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। कहा अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे कामयाबी दी, सबा का डॉक्टर बनकर इंसानियत की खदमत करने का। डेरा गाजी खान की बेटी तहरीम आरिफ ने शहर का नाम रोशन किया। इंटर के रिजल्ट में 1094 नंबर हासिल करके नुमाया पोजीशन हासिल करने में कामयाब। तहरीम फातिमा की भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश। वो शुबारे जमा करवा दें, अब तारीख नहीं बढ़ेगी। RTO मुल्तान ने वाजे कर दिया, टैक्स वो शुबारे जमा करवाने का आखिरी दिन, पायलट के पास रात 12 बजे तक का वक्त। RTO ऑफिस निजाम में गोशवारे जमा कराने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। सिस्टम पर बोझ पड़ने से शहरियों को मुश्किल का सामना। मोटरवे और हाईवे से मुल्हिका कमर्शियल यूनिट्स हो जाएं तैयार। मुल्तान एक्साइज का ग्रैंड रिकवरी का फैसला, डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान ने इंडिया दिया 11 करोड़ 30 लाख रिकवरी का हदफ। कहा कि कमर्शियल यूनिट को टैक्स नैक में आना होगा। ब्लैकमेलिंग का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, FIA बहावलपुर की कार्रवाई। नौजेदा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मोबाइल और ब्लैकमेलिंग का मवाद बरामद कर लिया। बोगस चेक देकर फ्रॉड का रुझान बढ़ने लगा। मुल्तान में गुजश्ता 4 माह के दौरान शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड, नरोही ने फ्रॉड की तफसीलात की खोज निकाली। शहर के मुख्तलिफ थानों में 228 मुकदमात का इंदराज हुआ, सिर्फ 3 मुकदमात के फैसले हो सके।
जाली डिग्री पर नौकरी की मौज महंगी पड़ गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन मलिक मुश्ताक अहमद ओजला की जान से केस की समाप्त। जुर्म साबित होने पर मुलजिम उस्मान को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी। मेपको राजनपुर बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म। मेपको को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। सैकड़ों चोरी के कनेक्शन पकड़ लिए। तारों और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। कोट अद्दू मोजा शेख उमर में लोअर मेगस नहर का कटाव जारी। रिश्ते कमजोर होने से नहर में शिगाफ पड़ने का खदशा। इलाका मकीनों का कहना है कि शिगाफ पड़ने से फसलों और आबादी शदीद मुतासर हो सकती है। सखी जर्म में बैनुल सूबाई पुल का काम सुस्त रवि का शिकार। मतबादल रास्ता इंतहाई नामनासिब होने पर अवामी शिकायत की फरमाश। रोही की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अहमद अली दरेशे का पुल सखी सर्वे का दौरा। ठेकेदार को 1 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। यजमान के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी का हसूल मुश्किल तरीन हो गया। शहर में लगाए गए मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। देखभाल ना होने की वजह से प्लांट्स के जंगले और टूटियां गायब रही। सही कसर गंदगी के ढेर में निकाल दी। शहरियों का बाबे इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। हाई स्कूल का दर्जा तो दे दिया मगर इमारत ना बनाई। लेगिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल 152 TDA अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मुंतजिर। इमारत की खस्ता हाली ने तलबा की जिंदगी खतरे में डाल दी। मिडिल पोर्शन के क्लासरूम के छतें गिरने का खदशा। मुतअद्दिद बार की गई शिकायत भी अफसरान को होश में ना दिला सके। हेडमास्टर असातिज़ा और तलबा सभी शिकवा कर। मुल्तान में डेंगू के मरीज रोज ब रोज बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 12 शहरियों में डेंगू की तस्दीक। निश्चर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज मरीजों की तादाद 34 हो गई। 5 मरीजों को सेहत याब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गैस्ट्रो मुल्तान के बाद के पर भारी पड़ने लगा। गुजश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट। निश्चर अस्पताल में गैस्ट्रो के 61 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 99। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 47 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 40 मरीज लाए गए। एहतियात और कोरोना वैक्सीनेशन काम दिखाने लगी। जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान 47 केसेज रिपोर्ट। मुल्तान में मस्बत केसेज की शराह 1.6% तक पहुँच गई। 21 केसेज रिपोर्ट। रहीम यार खान में 8, बिहारी 5, मुजफ्फरगढ़ में 4 मरीजों का कोविड मस्बत आया। खानाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में 3 अफराद कोरोना पॉजिटिव का शिकार। कपास की फसल में बेहतरी के लिए इकदाम। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान इन एक्शन। फसल पर मस्नूई बारिश के रद्द अमल के लिए तजुर्बा जारी। माहरीन मुख्तलिफ इकसाम पर बारिशों के असरात का मुतालिया करेंगे। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में ब्रेस्ट कैंसर आगाही ब्लॉक प्रिंसिपल शेख जैद प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद MS डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और दीगर की शिरकत। तुर्का को कैंसर से बचाव और एहतियात बारे आगाही दी गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लोधरा के तलबा के लिए खुशखबरी। कॉलेज में BS क्लासेस की मंजूरी। BS इंग्लिश इकोनॉमिक्स और उर्दू में क्लासेस का इजरा होगा। वाइस चांसलर BZU इलहाक की मंजूरी देगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर इकबाल पाकिस्तान ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर। वाइस चांसलर समेत अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तुर्का ने इकबालियात के मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू की। स्पेशल बच्चों के लिए मुल्तान में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का बड़ा ऐलान। सफेदचोड़ी के आलमी दिन पर इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड मुल्तान ने नवी दी। इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के अपग्रेडेशन करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया। सफेद छड़ी का आलमी दिन स्पेशल एजुकेशन स्कूल रहीम यार खान में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ की शिरकत। बसारत से महरूम बच्चों की यह खूबसूरत परफॉर्मेंस। शुरका ने दिल खोल कर परफॉर्म किया। 15 अक्टूबर को हाथ धोने का आलमी दिन। DHQ कहर और पका की आगाही मुहिम। डिप्टी DHO ने शहरी को हाथ धोने बारे आगाह। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। वफाकी हुकूमत का जश्न ईद मिलाद नबी पर बड़ा ऐलान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 19 अक्टूबर को आम तातील का मरासला जारी कर दिया गया। सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक्किद करने के भी अहकाम।
और भक्कर में ईद मिलाद उन नबी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में मॉडल्स और सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए रश लगा रहा है। छोटे बड़े सभी मसाजिद और गलियों को बरके कुमकुमों से सजाने में मसरूफ।